दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग निकॉन जेड सिक्स मार्क टू का फोटो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी दोनों को टेस्ट करने वाले हैं। क्या है कि मैं आज एक शूट पे जा रहा हूँ, प्री वेडिंग का शूट, तो उसमें फ़ोटो भी उसका टेस्ट हो जाएगा और वीडियो भी। तो इस वीडियो में आप बने रहेगा इसका क्वालिटी वगैरह जानने के लिए। बाकी आज का जो शूट है अपना, वो प्री वेडिंग का है, तो तैयारी वगैरह हो गया है। इधर कैमरा है और क्या क्या रखा हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, ये हमारा कैमरा है निकॉन जेड सिक्स मार्क टू, और ये फ्लैश है, इसका ट्रिगर है, इसमें चार्जर वगैरह रखा हूँ। ये पूरा इक्विपमेंट चार्ज हो चुका है, और मैं साथ में रखा हूँ गोडोक्स का सॉफ्ट बॉक्स है अंदर, और स्टैंड है। तो ये चीज़ लेकर के जा रहा हूँ मैं प्री वेडिंग के शूट पे। हमारा जो प्री वेडिंग का शूट है वो मैन पार्ट में है। जो क्लाइंट है वो आ रहे हैं, वो अभी मेरे को जस्ट फ़ोन किए थे, तो वो मतलब कुछ देर में यहाँ सीतापुर पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे मैन पार्ट, दिखाऊंगा आपको मैं थोड़ा बहुत। बाकी ऐसे शूट पर कंटिन्यू ब्लॉग हो पाए पता नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, बाकी कोई बना देगा तो अच्छी बात है। तो ठीक है, फिर चलते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे जो क्लाइंट हैं उनका नीड है कि उनको 10 डेज काउंट का प्री वेडिंग फोटो चाहिए और 1 मिनट का उनको वीडियो चाहिए रील टाइप से स्टोरी में डालने के लिए, इतना उनका डिमांड है। तो बस हम लोग इतनी ही शूट करने वाले हैं। जो प्रोफेशनल वाला प्री वेडिंग होता है जिसमें ड्रोन होते हैं, अलग अलग लेंसेस यूज़ होते हैं, तो वो चीज़ नहीं है क्योंकि उसका बजट भी हाई होता है। तो इनका बजट भी उतना नहीं है, इनका जो बजट है उस बजट में मैं करके दे रहा हूँ, तो वही वाला प्री वेडिंग का शूट है। मैन पार्ट का मौसम का कुछ इस तरह से हाल है, देख सकते हो बारिश वगैरह हो रहा है। यहाँ पर अभी रास्ता में रुका हूँ मैं बंजारी मंदिर के पास, और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन लोग आ चुके हैं, रूम वगैरह ले लिए हैं कमलेश्वरपुर में, तो जाना है। लेकिन ये पानी जाने नहीं दे रहा है, ये देखिए। हम लोग अभी मैन पार्ट के इस वाले मंदिर पे हैं, और यहाँ पे अभी हम लोग का शूट कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे कपल्स हैं, और यहाँ पे अभी जस्ट कैमरा वगैरह को मैं रख रहा हूँ, आपको आउटपुट इसका पूरा देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। तो नहीं, इसका जो एडिटेड वाला होगा वो अलग डलेगा, बाकी बिहाइंड द सीन इसमें दिखेगा। गाइस, हम लोग अपने नेक्स्ट लोकेशन पे आ चुके हैं मैन पार्ट के, ये पेड़ वाला जगह जो सबसे ज़्यादा फेमस है। किसी का भी प्री वेडिंग होता है तो यहाँ ज़रूर आते हैं, और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये, दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस देखो कितना खूबसूरत लोकेशन है ये, और आज का वेदर भी बहुत मस्त है। इधर हम लोग का फ्लैश लाइट के लिए सॉफ्ट बॉक्स सेटअप हो रहा है, और अभी चलते हैं शूट करने के लिए। जो नेक्स्ट लोकेशन था प्री वेडिंग का वो ये था मेहता पॉइंट में। ये जो लोकेशन है बहुत ही फेमस लोकेशन है, और यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू आता है, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत फोटोशूट हुआ है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं वीडियो में। और ये जो जगह है यहीं पे, मतलब वो नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ का जो सीरीज़ बना है वो यहीं पर शूट हुआ था। तो बहुत खूबसूरत वादी है, यहाँ का प्री वेडिंग के लिए बेस्ट है, और इधर हमारे कपल्स। तो गाइस, प्री वेडिंग फ़ोटोशूट का ये लास्ट लोकेशन है टाइगर पॉइंट, यहाँ पे करेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं रुक रहा हूँ, लाइंस का वेट कर रहा हूँ, वो नहीं आ चुके हैं, वो नहीं आए हैं, हम लोग आ गए हैं। बाकी आज उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो वाटरफॉल वाला लेंगे सीन, और कुछ गाड़ी वगैरह वाला यहाँ पे। तो गाइस, हम लोग हैं अभी टाइगर पॉइंट पे, और यहाँ पे अभी शूट के लिए क्लाइंट्स का वेट कर रहे हैं। और यहाँ देखिए पानी कैसा सूख गया, पूरा सूखा है, इधर से नाली टाइप से बह रहा है। बाकी यहाँ हल्का हल्का धूप पड़ रहा है, तो मज़ा आ रहा है बैठने में। कैसे भाई भैया, वाह मस्त, अमेजिंग, मस्त फील आ रहा है भाई, एक नंबर ना। तो हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे, और ये सीढ़ी देखो कितना लंबा है। चलो दिखाओ प्लीज। ये काम कर रहा है कि नहीं देखेगा।